आज हम बात करने वाले एक ऐसी गेम के बारे में जिसको भारत के अंदर सबसे ज़्यादा खेला जाता है और सबसे ज़्यादा देखा जाता है। अब आप सबके दिमाग के अंदर वो गेम आ चुकी होगी, वो कोई और गेम नहीं, वो है क्रिकेट। भारत के अंदर क्रिकेट को लोग बहुत मानते हैं, उसके साथ लोगों का दिल जुड़े हुए हैं। बिकॉज बहुत बार आपने देखा होगा जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा होता है तो ये जंग जैसा माहौल हो जाता है, एक वॉर जैसा टाइम आ जाता है। उस वक्त जब भारत पाकिस्तान से जीत जाती है तो आप सबको पता है दिवाली मनाने लगते हैं, लोग पटाखे फोड़ने लगते हैं, अलग अलग तरीके से खुशियां मनाने लगते हैं। भारत देश के अंदर और भारत की टीम के अंदर खेलने वाले एक प्लेयर को ट्रॉल किया जा रहा है, हद से ज़्यादा बुली किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? और वो प्लेयर ऐसा प्लेयर है जो ऑलराउंडर, अगर हम उनकी बॉलिंग की बात करते हैं तो अच्छी बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग की बात करते हैं तो अच्छी फील्डिंग करते हैं, और बैटिंग की बात करते हैं तो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। ऐसे प्लेयर को ट्रोल क्यों किया जा रहा है और ये कौन सा प्लेयर है? अब आप सबको पता भी चल गया होगा कि मैं किस प्लेयर की बात कर रहा हूँ और क्यों इतना ट्रोल किया जा रहा है उस प्लेयर को। वो कोई और नहीं, वो है हार्दिक पांड्या। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हार्दिक पांड्या को लेकर कि क्यों आज हार्दिक पांड्या को ट्रोल किया जा रहा है। जो कभी उनके फैंस हुआ करते थे आज वो उन्हें चिढ़ा रहे हैं ग्राउंड के ऊपर जब वो अपना मैच खेल रहे हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जब वो बाउंड्री के पास खड़े हुए हैं तो लोग उन्हें चिढ़ा रहे हैं। उन्हें बहुत गलत गलत वर्ड से भी बोला जा रहा है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं, क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से आज हार्दिक पांडे को इतना ट्रोल किया जा रहा है। सो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन आपको दिख रहा होगा उसे जरूर प्रेस कर देना। बिकॉज जब हम नई नई वीडियोज बनाते हैं, हम नई नई टॉपिक आपके लिए लेके आते हैं तो उन वीडियोज के सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे जब आप इस बेल को प्रेस कर दोगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हम बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या के बारे में। हार्दिक पांड्या के ऊपर इतने सारे एलिगेशंस क्यों लग रहे हैं कि अपनी टीम को छोड़कर पैसों की वजह से दूसरी टीम में कैप्टन बन के आ जाते हैं। आप सबको याद होगा जब मुंबई का फर्स्ट मैच हुआ था अहमदाबाद के अंदर, उस ग्राउंड के ऊपर हार्दिक पांड्या को हद से ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। आप सबको वीडियोस दिख रही होंगी। और जब मुंबई के अंदर मुंबई इंडियंस का मैच होता है वहां पे तो रोहित के हजारों फैंस थे, उन्होंने तो हार्दिक पांड्या को बख्शा ही नहीं। यहां पर रोहित के फैंस इतने ज्यादा बुली करते हैं हार्दिक को कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मैच के अंदर इतना ट्रोल किया जा रहा है। यहां पर बहुत सारे अलग अलग टीम के कैप्टन्स भी बोल रहे हैं कि ये हमने पहली बार देखा है कि इतने ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है किसी प्लेयर को। तो पॉइंट क्या है, क्यों हार्दिक को इतना बुरा बोला जा रहा है? क्या इसलिए बोला जा रहा है कि अपनी गुजरात की टीम को छोड़ देते हैं और गुजरात के जो फैंस है वो उन्हें बुली कर रहे हैं, या फिर वो पैसों की वजह से मुंबई इंडियंस में आ जाते हैं और मुंबई इंडियन में आके कैप्टन बन जाते हैं और जो रोहित के फैंस थे वो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं? आज यही बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, जो प्लेयर बहुत अच्छा खेलता है, ऑलराउंडर है, तो भी उन्हें इतनी हेट मिले जा रही है। हर किसी को ना ग्रो करना होता है, हर कोई शख्स अपने आप को एक ग्रो करना चाहता है, हर कोई शख्स ये चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जल्दी पहुंच जाऊं। हार्दिक पांड्या भी यही चाहते थे, वो भी कैप्टन बनना चाहते थे। आज से ठीक 2 साल पहले 2022 के अंदर गुजरात की टीम ने उन्हें मौका दिया और उस टीम में वो कैप्टन बन जाते हैं और उनकी कैप्टनसी के अंदर उनकी टीम अच्छा परफॉर्मेंस भी करती है। आप सबको याद होगा कि लास्ट टाइम गुजरात ने अच्छे रन बनाए थे हर मैच के अंदर। बट अब मुंबई इंडियंस की जो मैनेजमेंट है वो क्या कहती है कि हम देख रहे हैं कि अब रोहित शर्मा की जगह कोई और कैप्टन देख रहे थे तो उनके दिमाग के अंदर एक ही नाम आया, हार्दिक पांड्या, बिकॉज वो पहले मुंबई इंडियंस से खेल भी चुके हैं। तो मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट ने हार्दिक के साथ बात करी और हार्दिक को ज्यादा पैसे देकर मुंबई इंडियंस के अंदर बुला लेते हैं एज अ कैप्टन। बट यहां पर गुजरात के फैंस ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो अपनी टीम को छोड़ के चले जाएंगे, वो भी पैसों की वजह से। अब यहां पे गुजरात के जो फैंस थे वो हद से ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। आप सबने एक वीडियो देखी होगी जो बहुत ज्यादा वायरल भी हो रही है, हर प्लेटफॉर्म पे आपको दिख जाती है कि हार्दिक पांड्या जब कैप्टन बनके मुंबई इंडियंस में आते हैं, उनका मैच होता है तो हार्दिक पांड्या रोहित को बहुत ही एटीट्यूड और एरोगेंस के अंदर बोलते हैं कि आप बिल्कुल एंड में जाइए, जहां पर बाउंड्री है वहां जाके आप अपनी फील्डिंग करो। वहां पर रोहित कुछ नहीं बोलते और चुपचाप वहां जाके खड़े हो जाते हैं और जब ये चीज रोहित के फैन देखते हैं तो वहां पर हार्दिक पांड्या को
ट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है। तो रियल रीजन क्या है, आप सबको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे ये सारी चीजें हो रही हैं? क्या पैसे की वजह से, या फिर मुंबई इंडियंस में आके रोहित शर्मा की जगह लेने से ये चीजें होती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, बट इसका एक और मेन रीजन है, वो होता है बिहेवियर। यहाँ पर सबसे पहले हम देख सकते हैं बिहेवियर। एज अ स्पोर्ट्समैन यहाँ पर हमें नेचर हर किसी के साथ अच्छा रखना होता है, हमारा जो एटीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ता है। जब आप एक एज अ स्पोर्ट्समैन ग्राउंड पे खेल रहे हैं तो हमें हम्बल रह के काम करना होता है। हर किसी की लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब हम पीक पॉइंट पे होते हैं, हमारे पास हर चीज होती है, हमारे पास हमारे फैन होते हैं, हमारे पास पैसा होता है, बट उस वक्त हमारा माइंडसेट चेंज होने लगता है, हम लोगों को अलग नजरिए से देखने लगते हैं, हम समझने लगते हैं कि हम ही सबसे ऊपर हैं। और जब पैसा हमारे पास आ रहा होता है, लक्ष्मी माता हमारे पास आ रही होती है, हमें यही फील हो रहा होता है। बट ऐसे मोमेंट पे हमें अपने हम्बल नेचर के साथ आगे बढ़ना चाहिए, हर किसी की मदद करनी चाहिए। इसीलिए आज भगवान कहने वाले एक ही शख्स हैं क्रिकेट के अंदर, सचिन तेंदुलकर। आप सबको पता है सचिन तेंदुलकर को भगवान माना जाता है क्रिकेट के अंदर। और क्यों माना जाता है? बिकॉज वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने कभी भी क्रिकेट के अंदर ना लड़ाई करी, ना किसी से आर्ग्यूमेंट किया। आप सबको याद होगा जब वो मैच खेलने आते थे और उन्हें पता है कि वो आउट हो चुके हैं, वो चुपचाप ग्राउंड से चले जाते थे, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करते थे। अगर हम उनके नेचर की बात करें तो आज भी बड़े से बड़ा प्लेयर, चाहे वो किसी और टीम का ही क्यों ना हो या पाकिस्तान प्लेयर्स ही क्यों ना हो, सचिन तेंदुलकर की तारीफ करते हैं। उनके एज अ स्पोर्ट्स पर्सन वो हर कोई उनकी तारीफ करता है। इसीलिए हर किसी के अंदर एज अ हम्बल नेचर होना चाहिए। दूर की बात नहीं करते हैं, हम पास की बात करते हैं। एक टाइम विराट कोहली को बहुत ज्यादा गलत नजरों से देखा जा रहा था। क्यों? बिकॉज वो हर मैच के बाद एग्रेशन खा रहे थे, ने राइवल्स के अंदर जब उनकी टीम पर्सन्स भी हैं तो भी उनसे झगड़ा हो रहा है। बट आज उनके नेचर बिल्कुल उल्टा हो चुका है। अब आप देख सकते हैं अब वो कितना कामली हर सिचुएशन को हैंडल करते हैं। इसीलिए आज उनके फैंस उन्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। अगर हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करते हैं जिसे आप भी प्यार करते हैं, हम भी प्यार करते हैं, एक बड़े बुजुर्ग भी प्यार करते हैं और छोटे से छोटा शख्स भी उन्हें प्यार करता है, वो कोई और नहीं जर्सी नंबर 7 थाला, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, महेंद्र सिंह धोनी। अपने टाइम में उन्होंने अपने हर चीज अचीव करी है, बट उन्होंने एक चीज हमेशा से आगे रखी, हर किसी को रिस्पेक्टफुल बात करना, हर किसी के लिए हम्बल नेचर रखना अपना, हर किसी को एक ही लहजे से देखना, अपनी टीम के लिए हमेशा आगे रहना। आप सबको पता होगा कि धोनी अपने जूनियर्स को सबसे आगे रखते हैं, और जब भी वो मैच जीतते हैं तो अगर इंडियन टीम के अंदर कोई मैच जीता जा रहा है, जो उनका बिल्कुल नया प्लेयर होगा वो ट्रॉफी पकड़ता है। अगर हम CSK की बात करते हैं, CSK कोई मैच जीत रहा है और उसे ट्रॉफी मिल रही है, हर बार नए शख्स को ट्रॉफी दी जाती है। क्यों? यहां पर वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, प्रॉपर टीम है जो अचीवमेंट कर रही है। अगर हम बात करते हैं हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या ने बहुत बार डिसरिस्पेक्टफुल अपने टीममेट से बात करी है, चाहे उनके सीनियर ही क्यों ना हो। अगर हार्दिक पांड्या ये समझ जाते हैं कि जब हम एक गेम खेल रहे हैं तो हमें हर किसी के साथ रिस्पेक्ट से बात करनी होती है, अगर आप कितने पैसे वाले क्यों ना हो, आपके पास कितना ही फेम क्यों ना हो, आपको हमेशा हर किसी के साथ हम्बल रहना होता। अगर इसी नेचर के साथ आज हार्दिक पांड्या गेम खेल रहे होते तो डेफिनेटली उन्हें कोई भी ब्लेम नहीं कर रहा होता, कोई भी उन्हें चिढ़ा नहीं रहा होता जो आज उनके लिए नारे लग रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फैंस ही हैं जो आपको बनाते हैं, जो आपके पास इतनी बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप आती हैं, आपके पास इतने बड़े बड़े प्रमोशन आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं, किस वजह से आप पैसे कमा रहे हैं? फैंस की वजह से। तो आप कभी भी अपने फैंस के लिए अग्रेसिव ना हो, आपको अपने फैंस को अपनी फैमिली मानना चाहिए, बिकॉज अगर आप फेमस हो रहे हो तो फैंस की वजह से हो रहे हो। जो लोग बोलते हैं ना कि फैंस बुली कर रहे हैं, नहीं, आप ऐसा काम ही मत करो कि फैंस आपको बुली करें, बिकॉज हर फैन अपने आइडल को बहुत बड़ा मानता है। अगर मैं बात करता हूं तो मेरे जो आइडल हैं उन्हें मैं बहुत ज्यादा अच्छा मानता हूं, और वो जो आइडल हैं वो है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी मेरे ही आइडल नहीं, आज के यूथ में हर किसी को पता है कि कैप्टन कूल उन्हें बोला जाता है। उनकी एक मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, वो जाके देख सकते हो कि महेंद्र सिंह धोनी के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो हम अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है आपकी कि आपके क्या रिव्यू हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर अपने रिव्यू बताइएगा हार्दिक पांडे के लिए। और अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करो अपने हर दोस्त के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।